अपनाबा एमबीबीएस आज एक शोले जैसी रिपीट वैल्यू फिल्म बन गई। ये 20 साल की क्रेडिट मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस को देता हूँ। ऑडियंस मुझे अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्लाइमेक्स में है तो देखेंगे। ये आजकल इतनी स्ट्रेस है हिंदुस्तान में, प्लीज़ गो एंड वॉच नॉनस्टॉप धमाल। संजय दत्त को सर रियल मगर किसी डॉक्टर बना तो आप यस कभी कभी क्या होता है कि यू हैव टू बी इन राइट मूवी, राइट कैरेक्टर, राइट प्लेस, राइट टाइम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे बाय लक कहे या बाय टैलेंट कहे जो भी कहे वो बैठ गई। मुन्ना भाई एमबीबीएस आज एक शोले जैसी रिपीट वैल्यू फिल्म बन गई और सब कैरेक्टर्स जैसे शोले के आज सबको याद है, वैसे ही मुन्ना भाई एमबीबीएस के सारे कैरेक्टर्स याद है। और मेरा एक वन ऑफ द ऑथरबैक रोल था जो मैंने बहुत मेहनत करके परफॉर्म किया और ऑडियंस की दुआ से उन्होंने हमको सहारा, सारे कैरेक्टर्स को सहारा, मुन्ना भाई को सहारा, मेरा डॉक्टर रुस्तम पावरी का कैरेक्टर्स को सहारा, मेरे जो पिताजी का जो कैरेक्टर था पप्पा का कैरेक्टर वो सहारा। तो ये बोले कि आज मैं इस इंडस्ट्री में 35 साल से जो सर्वाइव हो रहा हूँ, इसमें से पहला 10 साल निकाल दीजिए 1989 to 2003 से 2023, 20 साल। ये 20 साल की क्रेडिट मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस को देता हूँ, विधु विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर साहब को देता हूँ और राजकुमार हिरानी जी डायरेक्टर को सर कर देता हूँ। वो दोनों मेरे लिए भगवान है। क्यों? कि आज जो कुछ भी मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस की वजह से है। क्योंकि कितने लोग आजकल आए, इज़ अ फिल्म इज़ अ वेरी शॉर्ट सेल्फ। एक्टर्स और जो भी टेक्नीशियंस होते हैं, खास करके एक्टर्स की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 4 or 5 साल की होती है। तो इतना लंबा स्पैन में काम करना और तके रहना, मैंने 50 फिल्मों में काम किया है, 25 टीवी सीरीज़ में काम किया है, 10 वेब सीरीज़ में काम किया है, 200 एड फिल्म्स में काम किया है, उसमें से ज़्यादा काम मुझे मिला है मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद। सो मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग जो मुझे प्यार देते हैं, प्यार देते रहिए। फ्यूचर में भी मैं अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स का जब भी मौका मिलेगा मैं करूँगा और आपको संतुष्ट करूँगा, सेटिस्फेक्शन दूँगा। अगर जैसे फ्लैशबैक अगर हम चली गए, ये आपसे जानना चाहूँगा, आपको कभी भी मार्केट जा रहे हैं, जा रहे हो कभी तो आप हुई ना डॉक्टर ऐसा कभी पूछा गया आपसे? भाई ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मुझे ना पहचाने, ऊपर वाला की देन है। जो भी गए, मैं मॉरिशियस शूट पे गया, लंदन गया, फिर मलेशिया गया, सभी जगह पहचानते हैं मुझे। अच्छा, कभी कभी मैं दाढ़ी का गेटअप में होता हूँ, कभी कभी मैं कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर में होता हूँ, वीग में होता हूँ, तो भी पहचान जाते हैं। ये बात तो छोड़िए, मॉरिशियस में इंडियंस लोग तो मुझे पहचानते हैं, लेकिन मॉरिशियस सिटीजन्स जिसको इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है वो मुझे पहचानते हैं। मैंने पूछा कि आप मुझे कैसे पहचान सकते हो हिंदी फिल्म, तो वो बोला कि मॉरिशियस में ओनली गवर्नमेंट चैनल्स आ रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स नहीं है, और वहाँ 3 चैनल्स है जिसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस रिपीट होता ही रहता है, उसकी वजह से मैं जानता है। तो थैंक्स टू ये फिल्म कि आज जो भी मेरा अस्तित्व है इसकी वजह से है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फिल्म, क्योंकि नॉनस्टॉप धमाल के लिए आज आए हैं। किस तरह के कैरेक्टर का आपका नॉनस्टॉप धमाल? इसमें भी मेरा डॉक्टर का किरदार है और इसमें प्योर कॉमेडी एंटरटेनमेंट है, सिचुएशनल कॉमेडी है, यानी कि मुझे कुछ फोर्सफुल कॉमेडी नहीं करना पड़ता है। सिचुएशन राइटर ने और डायरेक्टर ने ऐसा डायरेक्ट किया है जिसकी वजह से वो कॉमेडी उभर के आ रही है। तो मैंने एक डॉक्टर का किरदार किया है और मेरे सारे सीन्स क्लाइमेक्स के अंदर है, तो मतलब ऑडियंस मुझे अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्लाइमेक्स में है तो देखेंगे। और ऊपर वाले की दुआ से क्लाइमेक्स बहुत अच्छा आया है, क्योंकि मैंने डबिंग किया तो उसमें देखा है, राजपाल यादव जी, अन्नू कपूर जी, असरानी जी, मनोज जोशी जी, प्रियांशु चटर्जी जी, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगस्त में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ 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 आप थिएटर में जाइए, प्लीज़ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कीजिए, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब है, जो भी है कमेंट्स कीजिए,
आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ स्प्रेड कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि नॉन स्टॉप धमाल देखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म आपको बिल्कुल पसंद आएगी। क्यों? कि आजकल इतनी स्ट्रेस है हिंदुस्तान में और मुंबई में, तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप लोगों को ये फिल्म बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट स्ट्रेस बस्टर देगा। थैंक यू सो मच। फिर से विनती करता हूँ, प्लीज़ गो एंड वॉच नॉन स्टॉप धमाल इन थिएटर, रिलीजिंग इन दिस ऑगस्ट। थैंक यू।